इसके लिए आज। वहीं अजीत पवार कैंप ने भी इशू नोटिस किया है। दोनों की टाइमिंग्स अलग हैं, 11 बजे अजीत पवार जी की मीटिंग है और 1 बजे शरद पवार जी से मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर से दोहराऊंगी, जब से 10 शेड्यूल के बारे में खुद चीफ जस्टिस और 5 जज बेंच ने निर्णय दिया था शिवसेना को लेकर, उसमें बहुत स्पष्ट है कि 10 शेड्यूल में पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेटिव पार्टी से ऊपर होती है, पार्लियामेंट्री पार्टी से ऊपर होती है, और जो उनके मुखिया होते हैं वही निर्णय लेते हैं, विप हो या फ्लो लीडर हो। तो जो भी हो रहा है गैर कानूनी हो रहा है और वो स्पीकर के दायरे में आएगा। हम बस ये पूछना चाहते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है, तो क्या जो एकनाथ शिंदे हैं, जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 3 दो पहिए को साथ में लेकर चल रहे हैं, 3 पहिया सरकार हो गई है, क्या वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो बीजेपी कर रही है, जिनसे इनको सबसे बड़ी दिक्कत थी, अजीत पवार से सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो तकलीफ देते थे जब महाविकास अघाड़ी में थे, अब उनके साथ बैठे हैं। हिंदुत्व को लेकर हम पे सवाल उठाए जाते थे क्योंकि हमने एनसीपी के साथ अलायंस किया था, और यही बहाना देकर इन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की, एकनाथ शिंदे वाले और उनके 40 गद्दारों ने। तो अब वो हिंदुत्व कहाँ गया इनका, जब उनके साथ अजीत पवार काम करेंगे। तो ये पूरा जो माहौल महाराष्ट्र में बनाया हुआ है, ये भाजपा की देन है और निंदनीय है। प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी फैक्शन के, उन्होंने कहा है कि वी हैव 40+ एमएलएज विद अस, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। उन्होंने आगे कहा है कि जब 2022 में व्हेन एकनाथ शिंदे हैड टेकन 40 एमएलएज टू सूरत एंड गुवाहाटी, इट वाज श्योर दैट महाविकास अघाड़ी विल कोलैप्स। एज अ कंसीक्वेंस देयर वर 51 एमएलएज ऑफ एनसीपी हु एट दैट टाइम क्लियरली फेल्ट दैट वी शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। There is no ideological difference. If we have gone with Shiv Sena, then why we can definitely go with BJP. देखिए, वो कुछ भी कह लें, सच्चाई ये है कि जो उनके पार्टी के मुखिया हैं उनके खिलाफ उन्होंने काम किया है, और खिलाफ काम करते लॉ इज़ वेरी क्लियर कि उन्होंने 40 आमदार लेकर जाएं या 50 के 50 ले जाएं, अगर पार्टी प्रेसिडेंट निर्णय लेते हैं कि इनको सस्पेंड करना है तो स्पीकर को उसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। पार्टी प्रेसिडेंट शरद पवार जी हैं, उसके बाद आप कुछ भी पैरेलल आप बात कर लें कि हम चले गए, एकनाथ शिंदे जब गए तो एनसीपी जाना चाहती थी, ये इफ्स एंड बट्स में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हो रहा है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इमोरल एक्टिविटीज़ तो खैर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंप बन गया है कि हर इमोरल एक्टिविटी सत्ता में रहने के लिए, उसके लिए ये लोग काम कर सकते हैं, प्रजातंत्र के उसूलों को दरकिनार कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार कर सकते हैं। और ये और भी ज़्यादा स्पष्ट हो गया कि बीजेपी अपने बलबूते पे महाराष्ट्र में कोई भी चुनाव लड़ने लायक नहीं बची है। शरद पवार जी ने कहा है क्रेव माय आइडियोलॉजी शुड नॉट यूज माय फोटोग्राफ, क्योंकि उनके अजीत पवार जी के नए ऑफिस में उनकी फोटोग्राफ लगाई गई, क्योंकि शायद अजीत पवार भी जानते हैं कि जो भी वोट उनको मिलेंगे, जो उनकी हस्ती बनी है, जो उनका मान सम्मान मिला है, वो शरद पवार जी के नेतृत्व में मिला है। तो वो उसे ऐसे ही है जैसे शिवसेना से जो जिन्होंने गद्दारी की वो बाला साहेब ठाकरे जी की फोटो लेकर कहते हैं कि वो उनके पदचिन्हों पे चल रहे हैं। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगी कि उनके पदचिन्हों पे चलने की बात करते हैं पर उन्हीं की पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, आप उस पक्ष के साथ सत्ता में का सुख भोग रहे हैं जिन्होंने पीठ में खंजर घोपा था बाला साहेब ठाकरे जी के सोच को, विचारधारा को, और जो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग एलाय था उसके साथ विश्वासघात किया था। तो ये सिर्फ सत्ता में रहने की बात है, ये लोग सब पन्नास खोके एकदम ओके वाले लोग हैं और इनको सिर्फ पैसे से और सत्ता से प्रेम है, बाकी जनता जाए एक तरफ। आज जनता आप महाराष्ट्र में देखिए, किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, हर वर्ग दुखी है और हर वर्ग देख रहा है कि आने दो चुनाव, इन सबको हम सबक सिखाएंगे। संजय राउत जी जो एक्शन ग्रुप के हैं, उन्होंने कहा है कि यूसीसी पे कहा है कि ड्राफ्ट आ जाए एक बार, और कोई भी अपोज नहीं कर रहा है लॉ को। देयर वर डिस्कशंस ऑन द ड्राफ्ट ऑफ यूसीसी, जो उद्धव ठाकरे फैक्शन की मीटिंग थी उसमें। नहीं, जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट के बगैर हम देख रहे हैं हर राजनीतिक मंच से भारतीय जनता पार्टी के लोग बातें कर रहे हैं, तो बगैर ड्राफ्ट के आप किस आधार पर बात कर रहे हैं? खुद लॉ कमीशन ने अभी शुरुआत की है फीडबैक लेने की, 3 लाख से ज़्यादा फीडबैक आया है, तो क्या उसको प्रोसेस नहीं करेंगे? और यही लॉ कमीशन जो पिछली लॉ कमीशन था, उन्होंने कहा था यूसीसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना विरोधाभास है, तो इससे एक तो टाइमिंग आप देखिए किस टाइम पे ला रहे हैं,
लॉ कमीशन ने कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, लॉ कमीशन ने फीडबैक लिया है, 3 लाख से ज़्यादा उनको फीडबैक आया है, वो प्रोसेस करना है। तो यानी ये पूरा काम जो हो रहा है यूसीसी पे चर्चा हो रही है उस आधार पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा हो। हम चाहते हैं कि जो यूसीसी आए वो जेंडर जस्टिस के आधार पे आए, इक्वालिटी के आधार पे आए, कि कोई देश का नागरिक किसी तरीके से अपने आप को सक्षम न महसूस करे, असक्षम न महसूस करे, वेदर इट इज़ इन द कोई भी जेंडर के हों, कोई भी रिलीजन के हों, कोई भी कास्ट के हों। पर ये जो कर रहे हैं ये अवसरवादी सोच है विदाउट ड्राफ्ट, इसमें देश में बंटवारा करने की सोच के आधार पर। महाराष्ट्र कांग्रेस नाना पटोले ने कहा है शरद पवार एंड आई विल टॉक टू उद्धव ठाकरे एंड वी कंडक्ट अ टूर ऑफ द एंटायर महाराष्ट्र टुगेदर, वी आर प्लानिंग टू अप्रूव द डिक्टेटरशिप रूल ऑफ द बीजेपी फ्रॉम महाराष्ट्र सोइल। एब्सोल्युटली, जिस तरीके से अनैतिक तरीके से सरकारों को गिराया जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, धन बल के आधार पे, सत्ता बल के आधार पे, आईबी के आधार पे, ईडी, सीबीआई सबके आधार पे कर रहे हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। और आने वाले समय में अगर यही मॉडल दूसरे राज्यों में अपनाया जाएगा तो देश में कोई भी प्रजातंत्र नहीं बचेगी और जनता को वन पार्टी रूल करना पड़ेगा, वन मैन रूल होगा। तो उसके खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है। महाविकास अघाड़ी अपनी लड़ाई लड़ेगा और ऐसे लोगों को, ऐसे सत्ताधारियों को जिनको लगता है कि देश में डिक्टेटोरियल शिप ला सकते हैं, उनको उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। एक सवाल और मैम, बीजेपी लीडर नीतीश है कि द एनसीपी हु यूज्ड टू गिव सैलरी टू संजय राउत हैज नाउ जॉइन द एनडीए गवर्नमेंट, व्हिच मींस संजय राउत्स इंपॉर्टेंट इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज नाउ ओवर, उद्धव ठाकरे फैक्शन एंड कांग्रेस वर नेवर ऑन गुड टर्म्स, now an ncp has come with nda, uddhav thackeray and aditya thackeray all have become politically unemployed, mba is officially over, the time has come to say rest in peace to mba। main aise tuchhe logon pe koi tippni nahi dena chahungi, tuchhe soch, tuchhi baatein aur tuchhi vichardhara, main unki baat nahi karna chahungi। aakhri sawal mam, samna ek doubtful aur do half ki baat ki gayi hai जिसमें उन्होंने जिसमें बड़े विस्तार से कहा गया है कि कैसे फडणवीस जी पहले अजीत पवार जी के करप्शन के बारे में बात करते थे और आज उन्हीं के साथ हैं, और किस तरीके से अभी वर्षा बंगले में मीटिंग ना होकर सागर बंगले में हुई, बहुत ही लेंथी आर्टिकल, बहुत ही अच्छे से बताया गया, तो उसके बारे में थोड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी हलचल मची है कि एक पंचर टायर और पीछे दो उनके टायर्स जो हैं वो उस आधार पे आ रहे हैं जिनके खुद के विरोधाभास हैं, तो कैसे ये तीन पहिए की सरकार चलेगी? और ये तीन पहिए की सरकार सिर्फ एक ही रीज़न से आई है, करप्शन को किया दरकिनार, किरीट सुमैया बेचारे जो रोज़ माइक और मंच लेकर बैठते थे उनको दिखा दी उनकी औकात, फिर आपने किया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ गद्दारी, फिर आपने एनसीपी के साथ किया वही काम, तो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप के को मजबूत नहीं समझती है, देवेंद्र फडणवीस जी पे उनका कुछ भी विश्वास नहीं है, उनके खुद के अंदरूनी कलह हैं कि किरीट सुमैया को नहीं पता देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को नहीं पता कि बावन कुले जी क्या कह रहे हैं, बावन कुले जी को ये नहीं पता अमित शाह जी क्या सोचते हैं, अमित शाह जी को ये नहीं पता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं। तो ये जो विरोधाभास बीजेपी में दिख रहा है वो जनता के सामने है, और सामना का जो आर्टिकल है वो बताता है कि आज महाराष्ट्र में सही हकीकत क्या है, कि जो लोग दूसरी तरीके के आरोप लगाते थे आज उन्हीं आरोपियों के साथ गले से गले मिलाकर सत्ता का सुख भोगने में लगे हुए हैं, जनता त्रस्त है, ये लोग सब मस्त है। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स से हटके एक और सवाल है कि मध्य प्रदेश के सिद्धी जगह पे एक आदमी ने यूरिनेट किया है ट्राइबल लेबर पे, तो एक आदमी नहीं, उनका नाम प्रवेश शुक्ला है, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं, और वो बिल्कुल जो हरकत हुई है वो शर्मनाक है, दर्दनाक है और निंदनीय है। और आप ये सोच सकती हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और उनकी बढ़ोतरी हम होते हुए देख रहे हैं, वो इसी विचारधारा से आई है कि जो लोग कमज़ोर हैं उनको और कमज़ोर करो, जो लोग कमज़ोर हैं उनको सम्मान ना दो, इस तरीके से उनकी बेइज्जती करो। और वो आदमी आपसे क्या मांग रहा था? अपने लेबर के काम मेहनत के पैसे आपसे मांग रहा था, और आपने इतनी अकड़ दिखाई है। तो ये जो सत्ता की अकड़ है, सत्ता का सोच है कि मार्जिनलाइज को और मार्जिनलाइज करें, उनको तंग करें, उनको दिक्कतें दें और उनको और दुख दें, ये उनकी विचारधारा का एक उदाहरण है। और इनके साथ तो वो स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट होना चाहिए जो लॉ परमिट करता है,
और अगर किसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ये नहीं करती है तो वो दिखाती है कि वो ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा के अंतर